पिछले लंबे सालों से बंद खानपुरा पुलिया का निर्माण करवाने की मांग को लेकर आज क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। खानपुरा क्षेत्रवासियों ने आज डेयरी फाटक के बाहर प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा जताई। सालों से अजमेर डेयरी फाटक पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी जगह पड़ा था। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि सालों से इस पुलिया का निर्माण रुका हुआ है और प्रशासन और नेता लोग इस पुलिया की ओर ध्यान नहीं देते, जिसका खामियाजा खानपुरा आजाद नगर कीर्ति नगर हाउसिंग बोर्ड कंचन नगर क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि आने जाने के लिए उनको 6 किलोमीटर लंबा मार्ग इस्तेमाल करना पड़ता है और बारिश के दिनों में कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दोपहर के समय अचानक एकदम पीछे से क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या का समाधान करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए डेयरी फाटक के पार प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों डेयरी फाटक पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का प्रदर्शन रखा। वही और प्रशासन को चेतावनी भी दी कि यदि 1 महीने के भीतर ये कार्य शुरू नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्षेत्रवासियों के बाबू खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सालों से बंद पड़ा इस निर्माण के लिए अभी तक कई लोगों को अवगत करा चुके हैं। वहीं और जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी दे चुके हैं। वहीं नेता लोगों को भी इसकी और कई लोगों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है। आज परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने डेयरी फाटक के बाहर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही प्रयास किए जाए, ऐसा उन्होंने कदम उठाया है।
कहाँ पर मंदिर है और किस तरीके की वारदात हुई? ये मंदिर हमारा चंद्रदाई नगर ए ब्लॉक में ओंकारेश्वर नाम मंदिर है। ये अच्छा बहुत सुंदर सा पार्क है, मंदिर है, सब है। यहाँ पे बड़ी चहल पहल रहती है, सुना नहीं है। और हमारी पंडितानी जी उसी समय 12 बजे ही यहाँ से निकली हैं, सुबह 6 बजे आती हैं, वो तब तक रहती हैं। उनके जाने के तुरंत बाद ही वो एक लड़का था, वो पहले तो बाउंड्री से आया, फिर वो पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर वहाँ पे उसने लेटा, फिर धीरे धीरे चलता हुआ आया वो और आके उसने मंदिर के पीछे झांका, कांच में से झांका कि अंदर कुछ देखने का है या लेने का है, ऐसा कुछ करता रहा। मंदिर के सामने ही एक हमारे रहते हैं घर, उनका पोता वो ऊपर घूम रहा था। उसने सबसे पहले उसने देखा तो उसको लगा पहले शायद ऐसी कोई घूम रहा होगा, लेकिन जब उसने घूमते घूमते धीरे धीरे आया और एक पत्थर उठाया, पत्थर से उसने पीछे मंदिर के कमरे का ताला तोड़ा और उस पत्थर से उसने 8 बार उस ताले के ऊपर प्रहार किया और बाद में वो ताला टूट गया। उसके बाद वो अंदर गया, अंदर भी छोटी सी दान पात्र रखा हुआ था, उसके ऊपर भी उसने पत्थर मारा, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की। जब तक वो लड़का भाग के हमारी सचिव हैं उनके पास गया, वो उधर से भागे, इधर से ये लड़का भागा, सबने भाग के उस लड़के को पकड़ा। पकड़ने के बाद भी वो छूट के फिर वापस भाग रहा था, तब उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ के उसके पैर में एक थोड़ा सा लगाया भी ताकि वो भाग ना पाए, तब उनको बिठाया, पुलिस आई, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस पकड़ के लेकर गई। पहले भी चोरी हो चुकी है? इससे पहले कई बार ये हमारे सामने घंटे लगे हुए हैं, बड़े बड़े घंटे थे, वो चोरी हो गए। उस तब तक हमारी व्यवस्था नहीं थी कि हमने कैमरे लगाए हुए थे, अब हमारी ये व्यवस्था है कि कैमरे लगाए हैं। और भी बहुत सारा कुछ शाम में रात में मंदिर में आपत्तिजनक लोग आते हैं, बैठते हैं, वो सब ही हम कैमरों में कैच करते हैं, इसी वजह से हमने कैमरे लगाए हैं ये। और अब रात के 9 बजे के बाद हम लोग मंदिर में दोनों गेट में ताला बंद कर देते हैं ताकि तो कोई भी बाहर से आए ना। मंदिर में चोरी हुई है या प्रयास ही हुआ इस बार? नहीं, चोरी प्रयास हुआ है, अभी तो प्रयास, प्रयास तो हुआ है। इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई? जी, हमने शिकायत दर्ज कराई है थाने में, आज पेपर में भी आया है और शिकायत हो चुकी है और वो लेकर चले गए। उसके बाद की कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है अभी। इससे पहले 2 घंटे लगे हुए थे, घंटे चोरी हुए। मेरा नाम शीला त्यागी, एक साल पहले करीब संगठन मंत्री।